तो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, फाइनली थर्ड डे है, ये हमारा थर्ड शूट है और जो स्टॉल का नाम है डीजे ब्लॉक्स है। मल्टी ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, डीजे एम्पलीफायर, डीजे स्पीकर्स, कैबिनेट्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी मल्टी ब्रांड्स की। ठीक है, तो यहाँ के ऑनर से मिलते हैं, इस स्टॉल के ऑनर से मिलते हैं और सब कवर करते हैं। सो हेलो, कैसे हो भैया? एक बार बहुत बढ़िया, एक बार इंट्रो दे दो अपने ब्रांड का और अपना इंट्रो दे दो। ओके, काफ़ी सारी ब्रांड्स पर डील करता हूँ, जैसे कि डायनामेट हो गया, जाइफर हो गया, एरोंस हो गया, ऑडियो स्टैंडर्ड हो गया। कंप्लीट सीरीज भी हम देते हैं, हमारी कैबिनेट भी है आपको। राइट, कैबिनेट्स एक्चुअली बहुत हैवी क्वालिटी की है। ओके आरिफ भैया, सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम कैबिनेट्स ही देख लेते हैं, कैबिनेट्स देख लेते हैं क्वालिटी वगैरह। ओके, तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हम कैबिनेट्स कवर करने वाले हैं और एक्चुअल में जो साइज है बाकी के मुताबिक बहुत बढ़िया है क्वालिटी, आप देख सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है आरिफ भैया, सबसे पहले कौन सा? हमारी जो नई कैबिनेट आई है, नया पूरा कंप्लीट आया, 21 इंची जाइफर का। इसमें कैलिब्रेटेड हमारी प्लाई रहती है। ओके, और जो प्लाई भी होती है ना, कैलिब्रेटेड में भी काफ़ी ब्रांड्स आते हैं। राइट, तो उसमें भी हम अपना अलग से बनवाते हैं। ओके, ताकि जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे हमारा प्लस ही रहे, क्वालिटी भी और अच्छी निकल गया आउटपुट। इसके अंदर जो पेंट देखोगे आप, वो भी सेंटेक्स है। राइट, वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी में हमने कर रखा है, बिल्कुल सेंटेक्स कह सकते हैं, अनस्क्रैचेबल, इजीली स्क्रैच नहीं आएंगे। राइट, और इजीली पेंट निकलेगा नहीं, वाटरप्रूफ है फुल्ली। हाँ, वाटरप्रूफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की और कितने इंच का स्पीकर है इसमें और कितने वॉट्स का है? इसके अंदर 21 इंच का स्पीकर है, अभी भी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है पूरा, कमिंग सून है। ओके, तो इसका प्राइस तो अभी नहीं होगा, न्यूली लॉन्च है। राइट, न्यूली लॉन्च। ठीक है, तो एक छोटा सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी और साइज एक्चुअल में बहुत हैवी है, कॉम्पिटिशन लेवल का ये आई थिंक बेस है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रही भाई? नेक्स्ट ये हमारा फेमस सीरीज है अल्ट्रा सब वन। ओके, अल्ट्रा सब वन हमारी कैबिनेट है। ओके, अल्ट्रा सब वन कैबिनेट, पेस से लेके प्लाई से लेके सब कुछ इम्पोर्टेड है। ओके, ऊपर से जो अपने स्क्रू है, जो मेन देखने वाली बात है, एलेंकी वाले स्क्रू है, जो कि बहुत अच्छा लुक देते हैं। राइट, ये तक इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका प्राइस रेंज बता सकते हो क्या होगा? 33 का है पर पेयर। राइट, एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा ये हो जाती है टॉप की कैबिनेट हो जाती है 15 इंच, इसकी भी सेम क्वालिटी रहने वाली है, जाली इंपोर्टेड है। ओके, क्लियर इंपोर्टेड है, इसके अंदर पेज इंपोर्टेड है, कैलिब्रेटेड प्लाई जो मैंने बताया। राइट, हम खुद जो बनवाते हैं। ठीक है, ये भी एमटी का प्राइस है? हाँ, 21,500। ठीक है, और कितने गेज की ग्रिल्स है अपनी सारे कैबिनेट्स में? 16 गेज की, मतलब बाकी जितने भी शूट किए मैंने उनमें 15 था। 16 जो ओरिजिनल 16 होती है ना, ये ओके इंपोर्टेड। ओके, ठीक है, जो क्लेम कर रहे हैं वही मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन ये 725 है सारा, इसके अंदर आप देखोगे कि जो फ्लेयर है। ओके, ये भी इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है। राइट, पेज इम्पोर्टेड होते ही है हमारे, यहाँ तक कि प्लाई और पेंट की फिनिशिंग देखो आप एक बार इसकी, नहीं अनस्क्रेचेबल है। अगर वॉल वगैरह में ये टच भी होता तो इजीली पेंट नहीं निकलेगा। राइट, ठीक है, और हैवी एक्चुअली बहुत हैवी है। बीच में ये पाइप देखने को मिल रही है इसकी, जो एयर है। हाँ, एयर पासिंग होल्स जो उसमें पाइप लगा दी, ये भी हम लोग ब्रांडेड लगा दें। ओके, ये पाइप्स है, ये भी हम लोग ब्रांडेड यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं ना अलग अलग। ठीक है, और अंदर फोमिंग भी की गई है साउंड प्रूफिंग के लिए। राइट, ठीक है, क्या रेट है इसका? 19,500। ठीक है, पियर का रेट है। इसके अंदर जो हम लोग फ्लेयर भी यूज़ करते हैं, जो हम लोग हैंडल भी यूज़ करते हैं, सारा इम्पोर्टेड है, सारे इम्पोर्टेड है ऑल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे जो आदमी की सबसे ज़्यादा जो रनिंग है, रनिंग पे चल रही है और सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, अल्ट्रासाफ्ट की सारी पब्लिक जानती है इसके बारे में। ओके, ये हमारी वो कैबिनेट, तो इसके अंदर का काम देखो आप, इसके अंदर कितनी अच्छी तरीके से वो और एयर का वेंटिलेशन बनाया गया और कंपार्टमेंट्स भी मतलब इक्वल साइजेस के, मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं ज़्यादा बेस मतलब फेंक रहा है कहीं कम फेंक रहा है तक देख रहे हो ना, ये सब भी कैलकुलेट हो गया पूरा। ठीक है, तभी एक अच्छा आउटकम आता है। राइट, स्पीकर्स का देखो, ये अंदर से क्वालिटीज में बिना पेंट, ये एकदम रॉ रख रखा है आपने जानबूझ के। राइट, क्या होता है, पुट्टी टाइप होता है या क्या होता है? पुट्टी टाइप होता है पर अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, ये प्लाई की क्वालिटी है। कितना इंच होगा ये, कितना एमएम होगा? 15 mm। हाँ, आई थिंक 15 mm होगा इतना मेरे को। हाँ, ठीक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की कैबिनेट से। देन ये हमने एक मिस कर दिया आई थिंक आरिफ भैया, दिस वन, ये भी हमारे जो सिंगल बेस है, ये हमारी नई आई है। ओके, और ये कम्प्लीट ही देते हैं, कम्प्लीट ही देते हो स्पीकर जी का। ओके, इसका क्या रेट होगा? इसका 65,000। 65,000 पेयर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आप अल्ट्रासाउंड का साइज से देखिए,
ओके ये हैंडल्स है इसके, सारे ग्रुप्स मिलेंगे इसके अंदर. ओके ये मतलब अपने इनक्लोजर में ही है राइट, मतलब कभी निकलेगा ही नहीं. ठीक है. और क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हो, जो ये कर्व देख रहे हो ये भी इतने अच्छे फिनिशिंग में है, मतलब पता ही नहीं लग रहा है. और सारा मशीनरी का वर्क है राइट, सारा सीएनसी का वर्क है. ओके सीएनसी का वर्क है. ठीक है. ये इसकी जाली है 16 गेज का जाली है, ओरिजिनल 16 गेज है. ओके ओके आरिफ भाई आप क्या देखने वाले हैं? अब हम स्पीकर्स देख लेते हैं, हम कौन-कौन से स्पीकर्स में ब्रांड करते हैं. लेट्स गो. ब्लू बेस भी है अपने पास. ओके ब्लू बेस, ब्लू बेस के भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है. 9500 कितने वॉट्स में? 1800 वॉट्स, 8 ओम्स. ठीक है. ये इस पर. ओके नेक्स्ट ये हमारा डायनामाइट का हो जाता है. डायनामाइट का हो जाता है, डायनामाइट 18DX4 16500 कितने वॉट्स में? सेम वॉट्स नहीं, सेम 1500 वॉट. ये हमारा जाता है एरोस का डबल मैग्नेट X452. ओके इसकी आरएमएस कितनी है? 2000 वॉट. येल्लो चेसी में डीप चेसी है राइट, डबल मैग्नेट. और किट की थिकनेस, मैग्नेट की थिकनेस देख सकते हो, बहुत ही अच्छे ग्रेड की यहाँ पे मैग्नेट यूज हुई है. एलेंकी वाले स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे. और जो ऊपर से वेंटिलेशन का सीन है बहुत ही क्लियर आपको देखने को मिलेगा. डिज़ाइन बहुत यूनिक है यहाँ पे. 19000 का पर स्पीकर है. 19000 मिड बेस के लिए. ओके सिर्फ बेस, बेस ओनली बेस के लिए. ठीक है. इसका क्या रेट है? 24500. नेक्स्ट 18X45 ये काफ़ी सेलिंग मॉडल है. 1800 वॉट डायनामाइट. ठीक है. 19500 मैट ब्लैक में. एक ये जो हमारा ऑडियो स्टैंडर्ड है जो इसका भी हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं. 5 इंच वॉइस ग्रिल 13500 का 2000 वॉट्स. ओके इंजीनियरिंग इन इंग्लैंड. ओके आरिफ भैया एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर मान लो स्टॉल तो 3 डेज के लिए राइट, अगर किसी को ऑफिशियली मतलब विजिट करना है ऑफलाइन तो कहाँ पे आना पड़ेगा? कोई एड्रेस आपका? ये हमारा दिल्ली में संगम विहार है. संगम विहार है नियर गोविंदपुरी मेट्रो. ओके साकेत मेट्रो. ओके बाकी हमसे कॉन्टेक्ट करके एड्रेस ले सकते हैं. ठीक है. उसपे गूगल मैप पे डीजे ब्लॉग भी डालेंगे तब भी लोकेशन आ जाएगा. और आई थिंक साकेत मेट्रो से सीधा ईवी रिक्शा भी मिलते हैं. 15 रुपीज लेता है ईवी रिक्शा डायरेक्ट. वैसे तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं. ओके नहीं मैं एक बेसिक बात बोल रहा हूँ, अगर कि कोई बंदा जा रहा है आपके पास तो ईवी रिक्शा इज बेटर है ना. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट ये हमारा ब्लू बेस का हो जाता है. ब्लू बेस का 900 वॉट का स्पीकर. 900 वॉट ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है. 450 वॉट 8 ओम्स. ठीक है कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट ये हमारा जाइफर का हो जाता है. ओके ये 4 ओम्स का बेस के लिए ना, प्रॉपर बेस के लिए. प्रॉपर बेस डीप चेसी में आपको वहाँ दिखाया उसमें लगा हुआ है. ठीक है. नॉन प्रेस कैप है, नॉन प्रेस इसका पर्दा है. नॉन प्रेस है ना ये, मतलब इजीली प्रेस नहीं होता ना. ठीक है. और उस पर कोटिंग भी हो रखी है फ्रंट में. हाँ कोटिंग भी. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट में ये हमारा 15 इंच का है, 1000 वाट का. ओके 12500 का. ये भी बहुत टाइम पे सेलिंग पे चल रहा है. ठीक है 12500. नेक्स्ट फिर डायनामाइट आ जाता है. ठीक है. ऑडियो स्टैंडर्ड, ऑडियो स्टैंडर्ड डायनामाइट 6200 600 वाट डायनामाइट. लाइनर वगैरह हमें डालना. अच्छा लाइनर के लिए इसका थ्रो अच्छा होगा आई थिंक ना. 400 वॉट RMS 4200 रुपये. एंड द नेक्स्ट वन डायमंड डायनामाइट. ओके 8500. ये कितने वॉट में? 450 वॉट. 9500 वॉइस कॉइल 4 इंच 1200 वॉट. ठीक है. पीक पावर 2400. 17500 वॉइस कॉइल 5 इंच 2000 वॉट. देन नेक्स्ट ये कौन सा है? 14500 LF18 जाइवर का. कौन से ब्रांड का ये? एरोंस का. एरोंस का, एरोंस का है. ठीक है. ये डायनामाइट 18 इंच 21 इंच. क्या रेट है 21 इंच का? 32000. ठीक है. और ये 18 इंच का 27500. ठीक है. अब क्या कवर करने वाले हैं? उसके बाद हमारे ये जाइवर भी है हमारे पास में. एम्पलीफायर्स ये कूल एम सीरीज आते हैं 4000 5000 6000. कूल एम 4 5 6 ये टॉप लाइनर है मॉनिटर के लिए. ओके ठीक है. फ्लाइट केस की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी. अच्छा फ्लाइट केस इंक्लूड है इसमें, साथ में 2 ईयर वारंटी भी आती है. ठीक है. प्राइस रेंज क्या होगी इसकी? प्राइस रेंज के लिए तो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. ठीक है. अलग अलग राइट अलग अलग उसके डीलर. और गाइस एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो भी मैंने प्राइस बताए हैं ये एग्जीबिशन रेट है राइट, क्योंकि फ्लक्चुएशन मार्केट में होती रहती है. इंपोर्टेड ब्रांड्स भी है अपने पास, तो ये आज के रेट है, करंटली रेट है. ओके आरिफ भैया नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट ये हमारे पास ऑरेंज सीरीज होती है, Z7. ओके Z6 जो कि बेस के लिए बहुत पॉपुलर है और ये Z8 तो बहुत सेलिंग हॉट सेलिंग मॉडल है. राइट. और ये ट्रांसपेरेंट दिख सकते हो, सब कुछ अंदर का दिख रहा है एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं एकदम तरीके से लगे हुए हैं.
और ये क्वालिटी, ये कितने वॉट में? 8000 वॉट में। 4000 ओके। सिंगल फैन है? सिंगल फैन। ओके ठीक है। प्योर कॉपर की वाइंडिंग है हर एक कंपोनेंट में, ठीक है। जाइफर ऑडियो। नेक्स्ट क्या है हरिप? नेक्स्ट हमारा ये जो अभी इस टाइम पे अभी लोगों को 2 ohms के बारे में पता लगा है बेस के, ओके, तो ये अभी हमारी अभी ट्रेंडिंग में जा रही है सीरीज, जैसे कि 10 हो गया, ये 2 ohms पे काम करती है। 2 ohms पे, मतलब बेस एकदम धमाकेदार, ठीक है। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट सारे 2 channels में। कितने वॉट्स के या ये कोलम्स प्ले करेगा, ये ड्राइव करेगा? 8000 watt हो जाता है 2 ohms पे, 4000, ओके, 9000 watt, 10000 watt, ठीक है। और ये स्पीकर आरिबिया? ये जाइफर का ही है हमारा, जाइफर का ही है, न्यूटीनियम मैग्नेट में, 1700 watt। इसका प्राइस क्या है? 28500। ओके आरिबिया, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। एक बार इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ओके, टाची के भी। ये किसका मदर है, इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर बताओगे एक्चुअल में होता क्या है? इन्वर्टर टाइप होता है? स्टेबलाइजर होता है ये, ओके, करंट सप्लाई को अपना देखने के लिए कि कितना वोल्टेज आ रहा है, हमें कितना रखना है, एम्पलीफायर की सेफ्टी भी रहती है इससे। ओके ठीक है, तो मोस्टली या फिर सब कवर कर लिया आई थिंक हमने। तो कुछ और बोलना चाहोगे एक्स्ट्रा अपने ब्रांड के बारे में? अगर क्वालिटी में काम करना है और भीड़ मतलब वो नहीं करना है, कबाड़ा नहीं मचाना है, उसके लिए चूज करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। एक अच्छे स्पीकर के साथ में एक अच्छी कैबिनेट जरूरी होती है, जरूरी होती है, राइट। लीकेज वगैरह कहीं नहीं होगी अपने कैबिनेट्स में, राइट? उसका कोई सवाल नहीं, ठीक है। प्रॉपर साउंड प्रूफ है ना? हाँ, प्लाई यूज करते हैं, पीछे से प्लाई पे भी 10 साल की वारंटी है। ओके, और सॉकेट्स भी देख सकते हो, इम्पोर्टेड है सारे सॉकेट्स, अपने माइक्स वगैरह सब मिल ही जाएंगे, सब सब, ठीक है। तो एंड करें, फ्यूचर में और भी अपनी चीज़ें इंक्लूड होगी, राइट? शूट्स वगैरह आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।